ये ही पेड़ रात में गोपी बन के कृष्ण के साथ रास करते, इसलिए यहाँ के लकड़ी पत्तों को नहीं तोड़ते। ये छोटे छोटे टेम्पल जो देख रहे हो, ये उन लोगों की समाधियाँ जो रात के समय रुक गए। ओहो, ऐसी यहाँ लगभग 48 समाधियाँ बनी हुई हैं। इसीलिए रात को रुकना मना है निधिवन में। कहते हैं कि निधि वन में रात के वक्त पे अगर हम देखते हैं किसी को, मतलब कि जाता है तो अंधा होके मर जाता है। भगवान देखो मर जाए नहीं, भगवान कहते हैं कि जब तू यहाँ तक आ ही गया है निधि वन तक, तो चल मैं अपने संग ले चलता हूँ, तो फिर चला जाता है वो भगवान के संग, शरीर रह जाता है। तो भाई देखो भाई गलियों से जा रहे, अभी हम लोग पहुँचने वाले निधि वन। ये हमारा वृंदावन है, और वृंदावन में जो विशेष स्पेशलिटी है इन गलियों की ही है। हाँ। अभी आके कोई कहे इन गलियों को चौड़ा कर दो, रोड बना दो, ये कर दो, वो अपने शहर में ही देख लो तुम। हाँ। वृंदावन मत आओ, नहीं यहाँ पे यही देखो। अगर आए हो तो वृंदावन की गलियों का आनंद लो, यहाँ के लोगों की बातचीतों का, गालियों का थोड़ा विशेष आनंद है। ब्रजवासियों की गालियों में भी अमृत झलकता है, इतने प्यार से देंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। चलो राधे राधे। असली वृंदावन देखना है तो निधि वन है। अच्छा, बाकी सब डेवलप वृंदावन है, बनाया हुआ। ये बनाया हुआ नहीं है, पुराना ही है। ये कृष्ण के समय में जैसा था वैसा ही आज भी है। अच्छा वैसे ही। चलिए राधे 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 राधे। चलो भाई अंदर आ चुके हैं। तो भाई अभी हम निधि वन के अंदर आ गए। देखिए हम जिस रास्ते से आए हैं, ये एक VIP रास्ता है जिससे हर व्यक्ति नहीं आ पाता। जाली वाला रास्ता अलग था, ये एक VIP रास्ता है जो गोविंद जी लाए। थैंक यू गोविंद जी। जो आप देख पा रहे हैं अभी पूरा जंगल देख पाएंगे यहाँ से, वहाँ से नहीं देख पाते हैं, केवल अंदर होके चलना पड़ता है इस वजह से। तो यही है वो निधि वन जो रात को बोलते है बंद हो जाता है, और यही पूरा एरिया है। हाँ, ये पूरा एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, चारों साइड बाउंड्री है इसके। अच्छा, कृष्ण के समय में सारा वृंदावन ऐसा ही जंगल था। एक्चुअल में आप यहाँ देखेंगे तो आपको केवल ये ही पेड़ दिखाई देंगे, कोई तीसरा पेड़ नहीं दिखाई देगा। हाँ, और ये सब पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं। सब पेड़ छोटे छोटे, इनकी हाइट कभी नहीं बढ़ती। हाइट नहीं बढ़ती है, और ये नए पेड़ भी नहीं उगते हैं। अच्छा, जितने हैं उतने ही रहते हैं। देखोगे ना सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पर नए नहीं उगेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वृक्ष कितने हैं, तो वृक्षों की कोई संख्या नहीं है। कुछ लोग जिनको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है वो लोग कह देते हैं 16,108। तो 16,108 कृष्ण भगवान की पत्नियां थी, ना कि गोपियां। यस यस, बिकॉज़ यहाँ तो शाम को भी अलाउड नहीं है। शाम को अलाउड नहीं है, करेक्ट। आपको मिट्टी ही यदि लेनी है तो हमारे ब्रज में एक स्थान है ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, वहाँ से आप मिट्टी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर स्थान का यहाँ खोद खोद की मिट्टी ले ले। ये देख रहे हैं इस पेड़ की जड़ें दिख रही हैं। अब इन जड़ों को जब हवा लगेगी तो पेड़ का क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, जिस कारण से यहाँ के बहुत से पेड़ नष्ट भी हो चुके हैं। लोग मानते नहीं है, इसी वजह से ये जाली लगी है, वरना पहले सारा खुला हुआ था। तो राधा रानी की जय। अभी देखो जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये है भगवान का स्थान, जिसको वृंदावन, निधिवन और मधुवन कहा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा ताली बजा के हंसेंगे। ये ही वृंदावन की स्पेशलिटी है कि कहते हैं जो वृंदावन में हंसे वाको घर बसे। अच्छा, हमेशा। और जो वृंदावन में रोवे सो अपने रहना को। वृंदावन में रोना नहीं, चिल करो, ठाकुर जी के ध्यान में रहो, भजन में रहो। तो इस जगह के तीन नाम क्यों हैं? पहला नाम है वृंदावन, दूसरा निधिवन और तीसरा मधुवन। वृंदा अर्थात तुलसी, और वन का मतलब जंगल। यहाँ आप जितने पेड़ देख पा रहे हैं ये सभी तुलसी के हैं, बट ये वो तुलसी नहीं है जो आप लोग घरों में होती है। ये है वन तुलसी, जो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं होती, और यहाँ इस तुलसी के अलावा कोई पेड़ पौधा नहीं होता। निधि का अर्थ होता है खजाना, यहाँ का खजाना यहाँ की विशेष विग्रह अर्थात मूर्ति। तो यहाँ की आज के समय में जो आप देख पाते हैं बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है, विग्रह है, वो यहीं से प्राकट्य है। अच्छा, यहीं से भूमि से निकली है, जो हरिदास जी ने 12.5 साल तपस्या करके इसी स्थान से निकाली, इसीलिए इसको लोग निधिवन कहते हैं, क्योंकि वो निधि इस वन से निकली। मधुवन आप लोगों ने भजन सुना होगा, मधुवन में राधिका नाची, मुरली बाजी। यहाँ आज भी भगवान कृष्ण आकर गोपियों के साथ डेली नृत्य करते हैं, रास करते, इसीलिए इस स्थान को लोग मधुवन के नाम से भी जानते हैं। नीचे से एकदम सूखे हुए, करेक्ट, सूखे खोखले पोले, जैसे पाइप होता है ना अंदर से पोला, वैसे कंडीशन में, करेक्ट, बट ऊपर से हमेशा हरे रहते। पतझड़ के मौसम में भी आओगे तो भी हरे ही मिलेंगे ऊपर से एकदम। और कहा जाता है ये ही पेड़ रात में गोपी बन के कृष्ण के साथ रास करते, इसलिए यहाँ के लकड़ी पत्तों को नहीं तोड़ते, क्योंकि ये पेड़ नहीं है, कृष्ण भगवान की गोपियां हैं।
करेक्ट करेक्ट, बोलो राधा रानी की जय। अभी जो सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं, हाँ हाँ, उधर में जिनकी गोदी में राधा कृष्ण बैठे हैं, हाँ हाँ, संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास, हाँ हाँ, तानसेन और बैजू बावरा के गुरु, हाँ, जब भजन कीर्तन करते थे, हाँ, तो स्वयं राधा कृष्ण आकर इनकी गोदी में बैठ जाते थे। अच्छा। इस जगह पे बैठ के लगभग 12.5 वर्ष भजन किया और भजन के बल से बांके बिहारी जी को यहाँ से प्राकट किया, जिस वजह से स्थान का नाम प्राकट्य स्थल आज के हिसाब से बोले तो बर्थ प्लेस ऑफ बांके बिहारी। ओके, बोलो राधा रानी की जय। ताली बजाओ थोड़ा सो। राधे 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 राधे। ये जो हमने एंट्री किया, हाँ, ये तो दूसरे लोग भी पैसे दे के नहीं कर सकते एंट्री? नहीं कर सकते बिना हमारे, हाँ, कोई लोकल होना चाहिए ना साथ में, वरना भी अगर आप अकेले आ भी जाते हैं, हाँ, तो यहाँ के बंदरों से आप नहीं सकते। आपको भी ये रास्ते से आना हो तो आपके साथ कोई लोकल होना चाहिए या कोई गाइड होने चाहिए जो आपको यहाँ पे लेके आए। अगर आप ये लाइन से जाओगे तो ये नॉर्मल लाइन है जहाँ पे सब क्राउड मिलेगा आपको। ये है हमारे यहाँ का मेन प्लेस, बीच में रखते हैं रात को 8 बजे यहाँ 7 ताले लगा देते हैं। 7 ताले, 7 ताले, 7 ताले। सुबह 5:30 बजे पंडित जी आकर गेट को खोलते हैं तो सभी के सामने गेट खोला जाता है, कोई भी आकर दर्शन कर सकता है। और सुबह आकर दर्शन करते हैं तो सभी चीजें यहाँ पर यूज्ड मिलती है, हाँ, फूलों का बिस्तर बिखरा हुआ जैसे कोई सोकर गया हो, 16 श्रृंगार पुराना, लोटे में जल आधा, लड्डू खाया, दातुन किया और पान चबाया हुआ। नाम बताओ। अब वृंदावन जब भी आए तो जरूरी नहीं है मैं ही या कोई भी हो, किसी एक ब्रजवासी से जरूर मिले, हाँ, वो मिलना और जरूरी नहीं है कि आप गाइड के स्वरूप में ही उसको ले, लोकल आदमी से आप पूछ सकते हैं, नॉर्मली हर कोई आपको यहाँ बता देगा, हाँ। और वृंदावन को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शंकर भगवान खुशी से नाचे यहाँ पे, हाँ, क्योंकि वो हर जगह क्रोध में तांडव करते हैं, हाँ। बट यहाँ जब आए तो गोपियों ने रोक दिया कि यदि आपको दर्शन करना है तो पहले गोपी बनो तब आपको दर्शन हो, तो शंकर भगवान यहाँ पर पहले गोपी बने फिर खुशी से नाचे, जिस वजह से शंकर भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ा, गोपेश्वर, हाँ, हाँ। यहीं पर भगवान कृष्ण का रासलीला होती है, तो ये विशेष स्थान है हमारे कृष्ण भगवान का। आप जो इस समय वृंदावन हमने देखा, लगभग 5,500 साल पुराना वृंदावन, पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। अभी अभी हम जा रहे हैं बंसी चोरी राधा रानी, मतलब पूरा स्टोरी तो समझाया गोविंद जी ने कि मतलब राधा जी ने कृष्ण भगवान की बंसी चुरा ली थी, एक्चुअली बंसी वॉज अ मेटाफर, इन शॉर्ट वो उनका अहंकार चुराना चाहते थे। छोटे छोटे टेम्पल जो देख रहे हो, ये उन लोगों की समाधियाँ जो रात के समय रुक गए, ऐसी यहाँ लगभग 48 समाधियाँ बनी हुई है इसमें, हाँ, अरे ये सारे लोग रात में रुक गए थे, ये सारे लोग रात में रुक गए थे और फिर उनकी मतलब डेथ हो गई, तो इनकी समाधि समाधि मतलब इनका एक छोटा पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए रात को रुकना मना है निधिवन में। अभी जो दर्शन हम करेंगे ये है हरिदास जी की समाधि स्थल, हरिदास जी, हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्राकट्य दिया, हाँ। अब एक छोटा सा वहम लोगों का दूर कर देते हैं हम, तो जो लोग सोचते हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है, तो ऐसा नहीं है। बांके बिहारी जी आज से लगभग 450 से 500 साल पुराने हैं और हमारे वृंदावन में सबसे पहला जो मंदिर है वो मंदिर है मदन मोहन। मदन मोहन, अब इसका पता कैसे चलता है कि बांके बिहारी जी इतने पुराने हैं, क्योंकि हरिदास जी का जन्म 1535 में हुआ था और 1630 में उन्होंने समाधि ली और इसी के मध्य में उन्होंने बिहारी जी को प्राकट किया, तो आप कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं कितने पुराने हैं। ये समाधि है अपना हरिदास जी की, देखो सब लोग मगन है, भाई तो यहीं पे निधिवन की यात्रा हमारी जो थी देखने की वो खत्म होती है और अभी जा रहे हैं हम बाहर की तरफ, अभी हम जा रहे हैं राधा रमण,
राधा रमन टेम्पल जा रहा हूँ। 11 बजे भोग आ जाएगा। हाँ भोग आएगा 11 बजे। अच्छा। राधा रमन।